वेलकम यू ऑल इन टू डेज जीके ऑनलाइन क्लास डियर चिल्ड्रन वी है चुके हैं अपनी जीके बुक का ओके दैट वॉज गुड एंड बेड हैबिट एंड चैप्टर टू इंपॉर्टेंट डेज also done so dear students today we are going to do chapter 3 famous monuments of india india ki famous monuments monuments means any statue any building or any other structure that has any historical importance कोई भी स्टेचू कोई भी बिल्डिंग या कोई और अदर स्ट्रक्चर जिसकी कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है हिस्टोरिकल वैल्यू है उनको क्या बोला जाता है मॉन्यूमेंट्स बोला जाता है okay? लोग क्या करते हैं इन मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने आते हैं देखने आते हैं इनकी इंपॉर्टेंस को जानने आते हैं ये मॉन्यूमेंट्स की कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर होती है जिस लिए ये बनाए जाते हैं हिस्टोरिकल okay? इंपॉर्टेंस होती है हिस्टोरिकल कोई स्टोरी होती है जिसके कारण ये मॉन्यूमेंट्स बनते हैं और लोग इनको क्या करते हैं दूर दूर से देखने आते हैं विजिट करने आते हैं इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को जानने के लिए आते हैं ओके सो टुडे वी विल रीड अबाउट सम फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया आज हम भी कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे हमें क्या है इनकी पिक्चर्स दी हुई है नीचे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसकी हेल्प से हमने इनके नेम फाइंड आउट करने हैं इनको रिकॉग्नाइज करना है कि इस बिल्डिंग का या इस मॉन्यूमेंट का नेम क्या ओके सो ओपन योर जीके बुक एट पेज नंबर 6 चैप्टर 3 सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल डू चैप्टर थ्री फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया इंडिया की फेमस बिल्डिंग्स और स्टैचूस देयर आर मैनी मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया दैट पीपल लव टू विजिट इंडिया में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स हैं जिनको लोग विजिट करना पसंद करते हैं जिनको विजिट करना लाइक करते हैं ओके सो वन गैस बॉक्स और हेल्प बॉक्स इज गिवन टू अस ओके यहाँ पे हेल्प बॉक्स है जिसकी हेल्प से हमने ये नेम राइट किए ओके सो लेट स्टार्ट लुक एट द फर्स्ट पिक्चर दिस पिक्चर इज ऑफ जंतर मंतर, ठीक है ये पिक्चर किसकी जंतर मंतर है यहाँ पे आप नंबर वन राइट कर लेंगे और इस जंतर मंतर को इस बॉक्स के अंदर राइट कर देंगे जे ए एन टी ए आर जंतर एम ए एन टी ए आर मंतर इट्स जंतर मंतर एंड इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। जंतर मंतर कहाँ पे बना हुआ है ये न्यू डेली में बना हुआ है और राजा जय सिंह ने इसको बनवाया था सो आर फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ जंतर मंतर। इट इज इन न्यू डेली ये न्यू डेली में है और राजा जय सिंह ने इस जंतर मंतर को बनवाया था लुक हेयर पिक्चर नंबर टू दिस इज पिक्चर ऑफ ताजमहल ये क्या है ये कौन सी बिल्डिंग है इट्स ताजमहल बहुत सारे बच्चों ने ताजमहल देखा भी होगा सो so, ताज महल आई हैव रिटर्न हियर नंबर टू आप भी इस बॉक्स में क्या राइट करेंगे यहाँ पे ताजमहल ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा okay. पे है ताजमहल ताजमहल आगरा में बना हुआ है एंड इट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल ये वाइट मार्बल से बना हुआ है गे? ये सारा वाइट कलर का है और ये व्हाइट मार्बल से बना हुआ है और इसको किसने बनवाया था इसको शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल महल इज सिचुएटेड इन आगरा इट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल एंड इट इज बिल्ट बाय इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां इसको शाहजहान ने बनवाया था नाउ लुक एट द थर्ड पिक्चर क्या दिस इज दिक्चर ऑफ हवा महल ओके दिस इज हवा महल आई हेव रिटर्न हियर नंबर थ्री आप इस बॉक्स में हवा महल राइट करेंगे एच ए डब्ल्यू ए हवा एम एच ए एल महल इसको हवा महल ही क्यों बोला जाता है बिकॉज इट हैज टू मैनी विंडोज इसमें बहुत सारी विंडोज हैं जिसमें से हवा क्रॉस होती है ठीक है कितनी विंडोज़ है इसके अंदर इसके अंदर नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री विंडोज़ हैं जिसमें से क्या होता है विंड क्रॉस होती है हवा आती है बहुत सारी तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया हवा महल रख दिया गया एंड इट इज सिचुएटेड इन जयपुर हवा महल कहाँ पे है ये जयपुर में एंड इट इज मेड अप ऑफ रेड एंड पिंक स्टोन्स ये रेड और रेड एंड पिंक कलर के स्टोन से मिलकर बना हुआ है इसमें बहुत सारी विंडोज हैं कितनी विंडोज हैं नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री विंडोज हैं ये जयपुर में है और इसको इसकी विंडोज के कारण इसको क्या बोला जाता है हवा महल लुक हेयर एट द फोर्थ पिक्चर इट्स विक्टोरिया टर्मिनस ठीक है ये है विक्टोरिया टर्मिनस इट इज सिचुएटेड इन मुंबई ये मुंबई में बना हुआ है ओके okay. छत्रपति शिवाजी ने इसको बनवाया था ओके इट इज विक्टोरिया टर्मिनस एंड इट इज सिचुएटेड इन मुंबई और इसको किसने बनवाया था छत्रपति शिवाजी ने इसको बनवाया था ओके लुक एट द फिफ्थ पिक्चर दिस इज द पिक्चर ऑफ इंडिया गेट ठीक है ये गेट की तरह है ना एंड इट इज सिचुएटेड इन न्यू डेली इंडिया गेट कहा है न्यू डेली में है बहुत सारे बच्चों ने इसको भी क्या किया होगा देखा होगा विजिट किया होगा है ना नाउ कम टू दिक्स पिक्चर इट्स रेड फोर्थ ये क्या है ये रेड फोर्ट है इसको लाल किला भी बोला जाता है इट इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन्स ये रेड कलर के स्टोन से बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं रेड फोर्ट बोलते हैं इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू डेली रेड फोर्ट भी कहाँ पे है ये न्यू डेली में है एंड शाहजहां ने इसको बनवाया था ठीक है ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था एंड रेड फोर्ट भी शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल आगरा में है बट रेड फोर्ट कहाँ पे है इट इज़ सिचुएटेड इन न्यू डेली लुक एट द सेवेंथ पिक्चर दिस इज विक्टोरिया मेमोरियल क्या विक्टोरिया मेमोरियल इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वाइट मार्बल के ये स्ट्रक्चर भी क्या है व्हाइट मार्बल से बनी हुई है एंड इट इज सिचुएटेड इन कोलकाता ये कोलकाता में है और ये एम्प्रेस विक्टोरिया की याद में बनाया गया था महारानी विक्टोरिया की याद में इसको बनवाया गया था इसलिए इसका नेम क्या रखा गया विक्टोरिया मेमोरियल ये कहाँ पे है ये कोलकाता में द एथ पिक्चर दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गोल्डन टेम्पल बहुत सारे बच्चे गए होंगे गोल्डन टेम्पल देखने भी एंड इट इज सिचुएटेड इन अमृतसर ये कहाँ पर है ये अमृतसर में बना हुआ है इसको हर मंदिर साहिब भी बोला जाता है ठीक है ये गोल्डन टेम्पल है इट्स का इसका अदर नेम क्या है हर मंदिर साहिब के और सिखों के फोर्थ गुरु गुरु रामदास जी ने इसको बनवाया था इसका जो टॉम है ये गोल्डन है इसलिए इसको क्या बोला जाता है इसको गोल्डन टेम्पल बोला जाता है सो इट्स गोल्डन टेम्पल एंड इट इज सिचुएटेड इन अमृतसर के लुक एट द नाइन्थ पिक्चर दिस इज द पिक्चर ऑफ चार मीनार इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद ये हैदराबाद में बना हुआ है इसको चार मीनार क्यों बोला जाता है बिकॉज इट हैज फोर मीनार्स इसके चार स्तंभ बने हुए हैं चार पिलर्स बने हुए हैं फोर पिलर्स बने हुए हैं दैट्स वाई इट्स कॉल्ड चार मीनार ओके एंड इट इज सिचुएटेड इन हैदराबाद सो डियर किड्स यू हैव टू डू दिस स्पेस इन योर जे के बुक ओके एंड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ this monument